राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया था नंदगांव। जैसा कि हमारी ब्रज यात्रा चल रही है नंदगांव और नंदगांव के आसपास की, तो उसी के दौरान मेरा आना हुआ वृंदा देवी मंदिर, जो बहुत ही फेमस है अभी तो हमारे हरियाणा में नहीं बल्कि देश विदेश में। और वृंदा देवी से अर्थार्थ है तुलसी देवी जी का मंदिर। और हमारे श्री महन जी वीडियो के अंत में आपको यहाँ बताएंगे जो भी यहाँ का पौराणिकता और जो भी यहाँ का मतलब महानता यहाँ से जुड़ी हुई है। और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। राधे राधे जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे यहाँ के बारे में पता लगा और कैसा आपको हमारा वृंदा देवी धाम लगा? ये बहुत ही पावन और पवित्र जगह है वृंदा देवी का स्थान जी। ये वृंदा नंद महाराज के महल के पास है। ये जी बहुत सुंदर ये जगह है और यहाँ पर हम लोग जब भी आते हैं नंदगांव बरसाना इस जगह पर हम आते हैं, बहुत ही हमें सुख आनंद और शांति मिलती है और हर एक क्षमा मंत्र यहाँ पर करने का और उत्साह आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या होगा जी? विभु केशवदास। तो मुझे लगता है कि आप श्री कृष्ण जी की भूमि से जुड़े हुए हैं, आपके परिधानों से भी लगता है और आपके श्रृंगार से भी लगता है। तो आप किस मंदिर या किस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं। इस्कॉन छिपीवाड़ा मंदिर से चांदनी चौक में हरे कृष्ण मंदिर है, जहाँ से प्रभुपाद जी 6 साल थे। अच्छा अच्छा। जो इसके संस्थापक थे? इसके संस्थापक हैं इस्कॉन के जी, के मंदिर से आए हुए हैं जी। और यहाँ पर भी दर्शन करते हुए हम अभी फिर दिल्ली वापस। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। राधे राधे जी। भैया क्या नाम है आपका? अनंत गौड़ी। अच्छा, आपको कैसा लगा ये हमारा वृंदा देवी धाम? तो आप पहली बार आए हैं? अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे। आपका क्या नाम है जी? मेरा दीक्षित नाम है धन्यदास। अच्छा जी। और वैसा भौतिक नाम है विनोद सिंह। अच्छा, तो आपको कैसा लगा हमारा वृंदा देवी धाम? वृंदा देवी जो है ये वृंदा कुंड और वृंदा कुंड जाना जाता है गुप्त कुंड। और जो वृंदा देवी जो ये है यहाँ पर जपा जो हम करते हैं बैठ करके, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है जो तुलसी महारानी जी के पास में बैठ करके जप करते हैं जी, उसका पूरा का पूरा 100% फल मिलता है जी। और शास्त्रों में वर्णन है तुलसी महारानी की इतनी महिमा है जी कि इसके अगर तुलसी दल या तुलसी मंजरी भी भगवान को अर्पण कर दी जाए चरणों में तो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और उनके पास बैठ करके अगर हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो पूरा का पूरा हमारे को उसका लाभ मिलता है। और हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। राधे जी। राधे राधे। आपको कैसा लगा? मुझे भी वृंदावन बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, सारा हरा भरा रहता है यहाँ पे। ये चीज तो मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब जितने भी मैं धाम गया उनमें से ये मेरी टॉप 5 लिस्ट में है। तो इसी के साथ हमारे एक भैया हो रहे हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे जी। तो भैया जी आपको कैसा लगा और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिवम सैनी और वृंदा कुंड धाम जो है ये मंदिर जो है बहुत ही अच्छा है और बाकी सारे मंदिर भी जितने हैं सब अच्छे हैं। और उसी के साथ यहाँ के जो श्री मेन जी हैं जिनका स्वभाव और इस मंदिर के बारे में बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत प्यार भी हमें दिया। उन्होंने कहा हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाएं, इसके लिए हम ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं ना किसी और चीज़ के लिए बाध्य करते हैं। तो हमें बहुत आनंद आया जी आज आपसे मिलकर और इस मंदिर के बारे में जो भी चीज़ें थी वो बताने में आपने विस्तार से हमें बताया, वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ बने रहिए वीडियो में और मैं आपको पूरे इस और अभी हम आ चुके हैं वृंदा देवी के मंदिर में। सीधा आज मैं आपको सीधा मंदिर से आज टूर शुरू कराऊंगा क्योंकि शुरू में ही अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाएं तो उससे अच्छी बात क्या होगी। और वृंदा देवी का जो दूसरा नाम है वो तुलसी देवी, और जैसा कि आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा यहाँ के जो संत जी हैं उन्होंने अपने श्री मुख से यहाँ का पूरा व्याख्यान किया है। और ये वृंदा देवी का मंदिर ऐसा है कि यहाँ बहुत दूर दूर से अंग्रेज श्रद्धालु और विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ का जो आर्ट वर्क है ये भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने यहाँ देखा था कि यहाँ पर काफ़ी हमारे सिद्ध संत बैठे हुए थे और उनकी चर्चा चल रही थी हमारे श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में, जो भी ब्रज में उनकी लीलाएं हुई। और आप इस बोर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किसी बात में कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारे दूर दूर से अंग्रेज श्रद्धालु सबसे ज़्यादा ही आते हैं। और जो यहाँ पर एक तप्त कुंड गुप्त कुंड है वहाँ पर हमारे श्री कृष्ण जी और हमारे राधा जी का पहला मिलन ही होता है। और अब यहाँ के बाद आप चलेंगे उसके बाद आपको दर्शन होंगे वृंदा कुंड के, जो कि बहुत सुंदर कुंड बना हुआ है, आप इसके दर्शन करें। और इसका जो कार्य हो चुका है वो भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। और यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक कि आपका मन नहीं करेगा जाने का। इसी के साथ जब हम यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे तो यहाँ पर ये रसोई घर है जहाँ पर
प्रसाद बनता है और भोग बनता है हमारे वृंदा देवी जी का, और बच्चों की गाड़ी है, और आप लगा सकते हैं कितनी सुंदर कलाकारी है यहाँ पर। और ये अंदर कुंड में जाने का रास्ता, एक बार हम भी चलेंगे कुंड पर, आपको दिखाऊंगा कैसा इसका जल है। अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो काफ़ी जल अच्छा हो जाएगा। ये है हमारा वृंदा कुंड, और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्काशी कितनी अच्छी हो रखी है, और जो दूर से मंदिर का दृश्य आता है मानो कि कोई महल बना हुआ हो। और यहाँ पर बैठे हमारे जोगेंद्र भाई, जोगेंद्र भाई राधे राधे। और ये बहुत सुंदर एक छतरी बनी हुई है, और यहाँ पर एक हमारी राधा कृष्ण जी की एक पुरानी प्रतिमा है जिसको मुगल जो शासक थे औरंगजेब, उन्होंने खंडित किया था। हमारे मैन जी ने बताया था कि आप ये ज़रूर दिखाना कि खंडित करने के बाद भी हमारे भगवान ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ही हो गए। अब आप देखें वो मूर्ति जिसको औरंगजेब ने खंडित किया था, ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। लगभग इसका चेहरा और कई चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी, पर फिर भी इसको मंदिर में बड़ा ही, क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं रखी जाती खंडित मूर्ति, इसलिए इसको बाहर पधार दिया गया है, और बहुत सुंदर एक इसके लिए भी स्थान बनाया हुआ है। और जो वृंदा देवी तुलसी माता होती हैं उनका भी एक प्रांगण में एक छोटा सा एक पौधा लगाया हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो मंदिर का दृश्य आता है वो लगभग ऐसा आता है, बहुत ही सुंदर है। और इसी के साथ जो गुप्त कुंड में आपको बता रहा था, वो गुप्त कुंड पड़ता है आपका इधर, और यहाँ पर छोटे छोटे हाथी भी लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंज, यही था वो कुंज, कुंज हाथी को बोला जाता है। और ये कदम के वृक्ष लगाए हुए हैं, जगह जगह पर पौधे लगा रखे हैं, बहुत हरियाली है यहाँ पर, और उधर कुछ डूंगरी के पेड़ भी हैं, और काफ़ी हरियाली और बहुत सुंदर जगह जगह चित्रकारी हो रखी है, ये भीम बाबा ने ही की हुई है। और यही वो कुंड है जहाँ पर प्रातः 7:30 से लगभग 8-8:30 बजे तक जो पहला मिलन होता है, आज भी श्री कृष्ण जी और राधा जी का, वो इसी कुंड पर होता है, इसको बोला जाता है गुप्त कुंड। और यहाँ पर कुछ ऐसी पुरानी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं हमारे ऋषियों के लिए, और जो भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को जानना चाहते हैं या तप करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रह सकते हैं और अपना तप कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कह सकते हो आप। और यहाँ पर एक समाधि स्थल भी है, समाधि स्थल में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बाबा श्री माधव दास जी, श्री श्री 108 श्री माधव दास जी, और हम नमन करते हैं उनके चरणों में, वो हमारे इस मिशन में हमको आगे बढ़ाते रहें और लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है, जैसा कि खाद, इससे मैं समझ सकता हूँ। और आप ये देखें यहाँ पर एक कुटिया, ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम देसी, मानो आप कितने ही साल पीछे आ गए हों, हकीकत तो हमारे इंडिया की यही है, बाकी हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, इन घरों में ना तो गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। और ये थोड़ा भूसा काटने का प्रॉपर एक मंदिर के कोने में आप ये लगा सकते हो, एकदम देसी माहौल है। और इसी के साथ ये दूसरी, कि अगर आपको किसी मूवी की शूटिंग भी करनी है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हो। और ये हमारी चारा काटने की मशीन, ये थोड़ी आधुनिक मशीन है जिसको इंजन के साथ चलाया जाता है, और उससे पहले होती थी आपकी ये हाथ वाली, इसमें मेरा हाथ भी कट गया था, आप यहाँ चेक कर सकते हो मेरे टांके, मैंने अपना हाथ झूलते झूलते मैंने अपना हाथ इसके अंदर दे दिया था, तब मैं बच्चा था। और फिर पापा ने मेरे ने स्टिचेज लगवाए थे डॉक्टर पर जाके, जिनको टांके कहा जाता है हिंदी में। अब मैं आपको दर्शन कराऊँगा इस पुरानी कुटिया के जो बनी हुई है, ये हमारे यहाँ बोलते हैं इसको सरकंडा। और आप ये देखें ये कुटिया, और यहाँ पर बहुत सही एकदम मौसम है, ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। और ये इसकी छत है, फर्श काफ़ी ठंडा है, बस यहाँ पंखा लगा लो, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी खाट, जो हमारे यहाँ का देसी एकदम बेड बोला जाता है इसको, ये यहाँ की छत है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक फूलों का गार्डन भी है, वो थोड़ा उधर पड़ता है, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ी देर में उसका भी दर्शन कराता हूँ। और ये बहुत सुंदर यहाँ पेंटिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं सामने एक मंदिर बना हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर जी, और कुछ पैरट बने हुए हैं, तोते, और ये हमारी कोई माता जी, हमारे मेरे ख्याल से राधा जी हों जो मोर को दाना खिला रही हैं, और हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी जो वहाँ पर बंसी बजा रहे हैं। और जिसमें फूलों के गार्डन की आपसे बात कर रहा था, यही वो गार्डन है, आप देख सकते हैं इसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं,
मानो भगवान खुद ये फूल आके लगा के गए हो। आप देख सकते हो इनकी सुंदरता देखते ही कितनी बनती है। और काफ़ी लंबा चौड़ा ये मंदिर है, अगर आपको यहाँ आना तो सबसे ज़्यादा आनंद आपको यहाँ आएगा। राधे राधे, मैंने आपको आज दर्शन कराए वृंदा कुंड के, और जो भी ये भव्य मंदिर था अब हमारे सामने यहाँ के श्री महन जी, अब उनके श्री मुख से यहाँ के बारे में जो भी यहाँ की मान्यता है, जो भी यहाँ की प्राचीनता है वो बताएंगे हमारे श्री महन जी। हम उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जी श्री महन जी बोलिए। श्री वृंदा देवी महारानी जय। देखिए वृंदा देवी का स्थान है वृंदा माने तुलसी। वृंदा देवी को आठ नामों से जाना जाता है, जैसे वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। जैसे वृंदा और तुलसी एक ही नाम है। जब भगवान श्री कृष्ण ये ब्रजभूमि पे आए तो आज जो वृंदावन है वो तुलसी का वन था जी, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। और जहाँ हम बैठे ये है निज वृंदावन, माने वृंदा देवी का घर। जैसे नंदगांव में कृष्ण बलराम का घर है जी, बरसाना में श्री राधा रानी का घर है, ऐसे ही श्री वृंदा देवी का ये घर है। उन्हीं के नाम से कुंड का नाम ही वृंदा कुंड है जी। यहाँ दो कुंड है जी, ये वृंदा कुंड है, मंदिर के पीछे कुंड का नाम है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड हाँ, गुप्त का क्या रहस्य है? गुप्त कुंड माने राधा रानी और कृष्ण गुप्त भाव से प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ प्रथम मिलन होता है राधा श्याम सुंदर का जी। तो वो कुंज बनाती है श्री वृंदा देवी जी। हम लोग तो ईंट पत्थर से जो मंदिर बनाते हैं, लेकिन वृंदा देवी का जो मंदिर है फूलों से बनता है। अच्छा। उसका नाम है कुंज। कुंज का नाम कुंज विहारी इसीलिए हाँ। पड़ा कि वो कुंजों में विहार कर सकते हैं जी। तो वो कुंज कौन बनाती है? श्री वृंदा देवी। अच्छा। तो प्रातः राधा श्याम सुंदर के मिलन के लिए वृंदा देवी बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती है। वो गुप्त कुंड में कमल का निर्माण होता है, बीच में जो कमल गट्ठा उसमें एक निकुंज बनता है, उसमें श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। फिर जो अष्टदल जो कमल है उसमें ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, ये 8 जो है मुख्य गोपियां विराजमान होती हैं। फिर जो और पंखड़ियां हैं कमल की उसमें मंजरियां हैं, उनके नाम तो लाखों हैं। उसके बाद और जो पंखड़ियां उसमें करोड़ों करोड़ों गोपियां आकर के विराजमान होती हैं, और प्रातः राधा कृष्ण का साक्षात जो है मिलन होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि नंदगांव से पश्चिम दिशा में 1.5 मील दूर श्री वृंदा देवी रहती है जी। तो अभी भी हम नाप करेंगे ये स्थान को नंदगांव से तो ठीक 1.5 मील दूर है जी। इसका मतलब ग्रंथ का बात बिल्कुल करेक्ट जी। तो वृंदा देवी यहाँ रहती है, यहीं से पूरे ब्रज का, जैसे दिल्ली से पूरा देश कंट्रोल होता है जी, ऐसे ही हमारे ब्रज पूरा यहाँ से वृंदा कुंड से कंट्रोल होता है, क्योंकि वृंदा देवी के नाम से ही पूरा 84 कोस ब्रज मंडल धाम है। तो यही ये हमारी वृंदा देवी रहती है। ये वृंदा है, ये वृंद आप बाद में बोलेंगे बोलिए। तो वृंदा देवी जो पूर्व जन्म में जालंधर की पत्नी रही जी, तो इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान की परम भक्त थी और परम सती थी जी। तो इनका जो पति था जालंधर जी, वो सतीत्व और भक्ति के प्रभाव से इतना प्रभावशाली हो गया जी, कि नर किन्नर देवता राक्षस सबको परास्त कर दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी स्वर्ग से भगा दिया जी। तो देवताओं में हाहाकार मच गया जी। तो देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए विष्णु लोक पहुंचे जी। भगवान बोले क्या हो गया देवताओं? तो देवताओं का भगवान हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया। बोले क्यों? बोले उसने जालंधर नाम का एक दैत्य, उसने हमको भगा दिया स्वर्ग से जी। तो फिर भगवान बोले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता बचे हैं, यदि शिव के साथ युद्ध हो रहा था उसका, तो भगवान बोले यदि शिव परास्त हो गया तो फिर तो प्रलय हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया। वो जलंधर का रूप धारण करके सती के घर के पास पहुंच गए, ऐसे गेट पे आवाज लगाई तो सती समाधि में थी, समाधि छोड़ करके, और वो सती जो समाधि छोड़ करके और अपना गेट खोल करके, जैसे ही वो जलंधर रूपधारी विष्णु अंदर गए तो सती का स्पर्श किया तो सती तो नष्ट हो गया और समाधि टूट गई। जब सती के दोनों पावर नष्ट हो गए तो उसका जो पति है जलंधर जी, से मैंने त्रिशूल के द्वारा उसका वध कर दिया जी। तो उसका शीश जमीन में नहीं गिरा, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ सती के प्रभाव से उसके आंगन में आके गिरा जी। तो सती बोल रही है ये मेरा पति तो ये है, आप कौन है जी? जो भगवान विष्णु रूप जो जलंधर थे उनसे पूछे आप कौन है? विष्णु तो साइलेंट है, चुप रहे। बोले तुम बोलते क्यों नहीं हो, कौन हो जी? बोले देवी मैं विष्णु। बोले विष्णु आपका इतना कठोर हृदय, पत्थर जैसा, आप पत्थर हो जाएगी।
तो विष्णु को श्राप दे दिया वृंदा देवी ने, तो भगवान तो मुस्कुरा गए, हम लोग तो क्रोधित हो जाएंगे, गाली लगने से क्रोधित होंगे, लेकिन भगवान का स्वभाव तो हमसे अलग है, वो तो थोड़ा मुस्कुराने लगे, तो देवी का क्रोध और बढ़ गया, दूसरा श्राप दे दिया कि आपके कीड़े पड़ेंगे। दोनों श्राप वृंदा देवी ने भगवान विष्णु रूपधारी जलंधर को दे दिया। अब जो लक्ष्मी देवी उनसे ये सहन नहीं हुआ, वो तुरंत उपस्थित होकर के और वृंदा देवी को श्राप दे दिया, तूने मेरे पति को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जड़ हो जा। तो उसी समय से वृंदा देवी ने जो उसकी पत्नी थी उन्होंने अपना देह छोड़ दिया और गंडकी नदी में परिणित हो गई। आज जो नेपाल में जो गंडकी नदी है वो वृंदा देवी का ही वो स्वरूप है पूर्व जन्म का। फिर लक्ष्मी के श्राप द्वारा वो जो है कलयुग में जो है वृक्ष के रूप में अभी पूजी जाती है, तो वो तुलसी बन गई। ये सब साफा साफी होने के बाद भगवान प्रशांत खड़े हैं जी। तो वो बोले देवी मैं तो तेरे पे अनुग्रह करने के लिए आया हूँ, तू मेरे से कुछ मांग ले जी। तो देवी तो बहुत डर रही है कि भगवान के साथ अभी तो ये हुआ है जी। तो भगवान बोले तू चिंता मत करे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तू मेरे से कुछ मांग जी। क्योंकि भगवान की जो 60,000 वर्ष तपस्या किया था वृंदा देवी ने पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो भगवान तो देने के लिए आए। तो डरती हुई बोली भगवान यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सहचरी बनाइए, अपनी प्रिया बनाइए जी। तो भगवान ने कहा था एक आशीर्वाद अपनी तरफ से दे दिया, फिर इन्होंने मांगा दूसरा आशीर्वाद अपनी तरफ से दिया भगवान विष्णु ने कि हे वृंदे जब तक तू मेरे सामने नहीं होगी जब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। नमो नमो वृंदे महारानी 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा प्रभु एक नमः। आप कितना भी भोग बना के रख दीजिए और उसमें तुलसी दल हम नहीं छोड़ेंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसी मान्यता है ना। हम कंठ में तुलसी का माला धारण करते, जाप में तुलसी का माला से जाप करते, घर में तुलसी, हर हिंदू के घर में तुलसी का सेवा होता है। तो ये तुलसी महारानी वृंदा देवी का दूसरा नाम है तुलसी, ये उनका स्थान है। यहाँ कोई भी पंडागिरी कोई पॉलिटिक्स किसी प्रकार का नहीं, एकदम शांत स्थान है, निकुंज का स्थान है, यहाँ साक्षात राधा श्याम सुंदर का प्रातः मिलन होता है जी। जैसे अष्टकालीन लीला में 8 जगह आज भी हमारे ब्रज में साक्षात मिलन होता है, लीला होता है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं होता है, लेकिन हमारे पास उन दिव्य चक्षु नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सके। तो प्रथम मिलन यहाँ होता है, दूसरा मिलन होता है राधा कुंड में, गोवर्धन के पास है ना परिक्रमा, वहाँ दूसरा मिलन होता है, और तीसरा जो संध्या के समय होता है राधा कुंड मंदिर वृंदावन में, तीसरा मिलन होता है, चौथा मिलन सेवा कुंज वृंदावन में होता है, पांचवा मिलन निधि वन में होता है, छठवां मिलन भांगीर वन में होता है, यमुना के उस पार जो पड़ता है ब्रज में ही जी, सातवां मिलन यहाँ से 14 किलोमीटर आगे काम्य वन है, राजस्थान में पड़ता है वो, उसका नाम काम्यक वन है संस्कृत में, अभी कामा कामा बोलते हैं, ये सातवां होता है। और आठवां जो राधा श्याम सुंदर का मिलन है वो नंदगांव वरसाने के बीच में बिल्कुल एक संकेत वट गाँव है, वहाँ आठवां मिलन होता है। ऐसे करके 24 घंटे में अष्टयाम लीला बोलते हैं, तो अष्ट प्रहर लीला हिंदी में बोलते हैं, अष्टयाम लीला संस्कृत में बोलते हैं। ऐसे करके आज ही हमारे ब्रज में राधा श्याम सुंदर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है और उनकी लीला चलती रहती है, कोई भी हो सतयुग द्वापर त्रेता कली कोई भी हो, हमारे राधा श्याम सुंदर सदैव इधर है। उनकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावन न परिच्छेद्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके पादमन एक पैर भी मैं बाहर नहीं रखूंगा। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें नैक विसार हो नंद बाबा जी। ब्रज और ब्रजवासियों को छोड़ करके मैं कभी एक पल भी नहीं जाऊंगा, हमेशा मैं यहाँ रहूंगा, मुझे नंद बाबा की सौगंध है। तो हम ब्रजवासियों का यही भाव है, हम तो 40 साल से मैं इधर सेवारत हूँ, मेरी वंश परंपरा से इधर सेवा रहा है और हम उसी हिसाब से चला रहे हैं सेवा परंपरा से, ये हमारे वृंदा देवी का जय श्री राम। तो मैं जी मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। हाँ, देशी विदेशी सब लोग से दर्शन के लिए तो कोई भी आ सकता है, और सच्चे दिल से आप यहाँ जो भी अपने लिए मन्नत मांगोगे वो आपकी जरूर पूरी होगी। हाँ, ऐसा भी मैंने सुना है। यहाँ दोनों ही चीज मिलती है, यदि संसार की भुक्ति चाहिए तो भुक्ति भी मिलेगा और यदि भक्ति चाहिए तो भक्ति, तो भक्ति प्रदायनी है वृंदा देवी। और जो आप पीछे दर्शन कर रहे हैं वही है कि हमारी वृंदा देवी जी। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, डेली मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए धाम के दर्शन लाता रहूंगा। इसी के साथ हम अपने पुजारी जी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं राधे राधे राधे।